हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका एक विशेष क्लासेस में। तो हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर 11 तक पहुंच गए हैं और लास्ट लेक्चर था इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसमें मैंने बताया था कि दो पैरेलल प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ब्रैग्स लॉ। अब ये होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ यूज होगा, ये डिफ्रैक्शन में भी यूज हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसमें होता क्या है कि एक निकल क्रिस्टल लीजिए भाई, क्रिस्टल के फॉर्म में कुछ है यहाँ पर नहीं है, एग्जांपल के लिए कुछ मेरे पास नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसके बारे में पहले भी बताया था। एक क्रिस्टल है, बिल्कुल सीधा है। अगर इधर से एक लाइट आता है इस टाइप से, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, कौन वाला एंगल, चौक और मेरे कॉपी के बीच में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। अगर ये क्रिस्टल है, ठीक है, डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जब मैं बता रहा था वहाँ पर मैंने इसका प्रूफ भी बताया था, बट शॉर्ट करके बताया था, यहाँ पर अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हमने नहीं लिखा था, लेकिन आज मैं उस तरीके से लिखने वाला हूँ। देखो, अगर ये क्रिस्टल का प्लेन है ये, ठीक है, और इसी के पैरेलल एक दूसरा प्लेन है, ठीक है, डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कौन सा क्रिस्टल लिया गया था, निकल क्रिस्टल, ठीक है। तो और कहता क्या है, कहता ये है कि अगर एक एक्सरे जो है सो इस तरह से आती है, एक्सरे क्या है, इस तरह से आती है, ठीक है, और क्या हो रहा है, एक्सरे इस तरह से आकर के इस तरह से क्या होती है, डिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, क्या होती है, डिफ्रैक्ट। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसका जो ये पाथ डिफरेंस कुछ जनरेट हो जाता है, क्या जनरेट हो जाता है, पाथ डिफरेंस, और एकदम डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन में जिस तरह ब्राइट फ्रिंज होता है उस तरह ही होता है यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो अगर कोई एंगल जो है यहाँ पर थीटा, इसको ग्लांसिंग एंगल से कोई भी जो इंटरसेक्ट किया है, क्या है, इंटरसेक्ट किया है, जी कॉल आ गई थी, फ़ोन आ गया था, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करके जरा इधर देखें हम क्या बोल रहे हो, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई क्रिस्टल है, एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है, क्या हो रहा है, कोई एंगल है थीटा एंगल से लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है ऊपर वाले प्लेन के साथ, ठीक है, और इंसिडेंट नहीं, ये लाइट डिफ्रैक्ट कर रही है। तो अगर ब्राइट डिफ्रैक्शन चाहिए, ब्राइट डिफ्रैक्शन चाहिए, तो क्या होगा, तो होगा 2D साइन थीटा। अब डी क्या है भाई, डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डी है। तो वो बोलता है ब्रैग साहब कि 2D साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा एन लेमडा का, किसके इक्वल होगा, एन लेमडा का। ये कौन बोलते हैं, ब्रैग्स, ठीक है, ब्रैग साहब ये बोलते हैं कि अगर मैं क्रिस्टल को लूँ और क्रिस्टल पर एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को इंसिडेंट कराऊँ, तो वो जो डिफ्रैक्शन होगा लाइट का, डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, पहले तो ये था कि डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट का ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल भी कर सकता है, ये तो शोध हुआ बाद में, मैंने डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में बताया था, ठीक है। और ये सब कब हुआ शोध, जब ये पता चला कि हर एक पार्टिकल के अंदर में क्या होती है, मैटर एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसको क्या बोलते हैं, डेब्रोली वेव, और तो मैटर वेव। तो यही बात है यहाँ भी कि अगर मैं क्या करूँ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को इस पर इंसिडेंट कराए, ठीक है, इस प्रकार की इंसिडेंट कराए, तो डिफ्रैक्शन जो होगा उसमें मैक्सिमम, या तो ये कहें कि ब्राइट डिफ्रैक्शन के लिए ये होता है 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है, ये किसने कहा, ब्रैग्स लॉ ने कहा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, जस्ट तुरंत करते हैं। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ी सी बढ़ा कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसको ही थोड़ी सी बढ़ा कर दिया, ठीक है, और जिस तरह का लाइट यहाँ पर मैंने इंसिडेंट कराया था उसी के जस्ट पैरेलल एक लाइट मैंने इस पॉइंट पर इंसिडेंट कराया, ठीक है, और ये भी क्या हुआ, इधर चला गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात, अगर ये थीटा डिग्री है तो ये भी कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। बोले क्यों होगा थीटा डिग्री, क्योंकि ये दो जो है, दोनों जो है सो क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है, पैरेलल है तो बराबर होगा, है ना। तो और देख रहे हैं कि पाथ डिफरेंस जो आ रहा है, क्या आ रहा है, पाथ डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है, देखो यहाँ पर इसको, ये जो लाइन सीधा गया है उधर, सीधा लाइट गया,
उसको मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। और ये लाइन जो इधर सीधा है उसको भी मैं यहाँ पर पीछे की तरफ ले आता हूँ। तो देखो इधर से जितना लाइट जा रहा था क्या यहाँ तक उतना ही गया? जी हाँ उतना ही गया। इधर से जितना लाइट था इधर से क्या यहाँ तक उतना ही आया? जी हाँ उतना ही आया। बढ़ कितना गया? इतना बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब पाथ में डिफरेंस आ रहा है, और पाथ में डिफरेंस आ रहा है तो फेज में भी डिफरेंस आएगा। फेज में डिफरेंस आएगा तो ब्राइट और डार्क तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर ब्राइट फिल्म चाहिए तो एन लेमड़ा होता है, जानते कि नहीं? सब लोग जानते डिफ्रेक्शन के अनुसार से। और एन लेमड़ा किसके इक्वल होगा? ये ब्रैक्सला बताया किसके इक्वल होगा? टू डी साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ गया, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है? ये एक्चुअल और पाथ डिफरेंस पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? पाथ डिफरेंस पैदा कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये, ठीक है, पाथ डिफरेंस। अब हम सबका नाम लेते हैं। इस पॉइंट का नाम दिया ओ, यहाँ का नाम दिया मैंने एम, यहाँ का नाम दिया एन, और यहाँ का नाम दे दिया समझिए पी, ठीक है। ये मैंने कहा डी है। डी क्या है? ये डिस्टेंस है दोनों प्लेन के बीच का। यहाँ भी लिख देते हैं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अब बताइए अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या यहाँ का जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा था कि दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, पिछले लेक्चर में। तो दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है। किस पर परपेंडिकुलर है? तो देखिए यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, है ना। देखिए इस पर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? ये टोटल 90 डिग्री होगा, और ये अगर थीटा है तो ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, अच्छी बात है। तो हमने क्या है यहाँ से, यहाँ अगर थीटा बना, इसके सामने को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अरे भाई इस तरह बन रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये क्या हुआ? हाइपोटेनस हुआ। तो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा लगाएं, क्या लगाएंगे? कॉस थीटा, जो कि यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा है, अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस के जगह पे क्या है यहाँ पर? पी एम, पी से एम है क्या? बेस। और हाइपोटेनस क्या है? डी। तो जो पी एम होगा वो क्या होगा? डी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, डी कॉस 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा हमेशा कितना होता है? साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ लिखता हूँ पी एम इक्वल टू क्या आ गया? डी कॉस 90 माइनस थीटा, इसके जगह पे कितना लिखूंगा? साइन थीटा। तो आ गया डी साइन थीटा। अब बताइए ये तो आ गया ये वाला डिस्टेंस, और हमको क्या निकालना बचा है? ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो आप जरा सोचोगे दिमाग में कि यहाँ थीटा था, यहाँ भी थीटा है, तो ये ग्लांसिंग एंगल इक्वल होता है ना। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी कितना होगा? यहाँ भी थीटा होगा। इसका मतलब जितना ये निकला उतना ही ये भी निकलेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर ये दोनों इक्वल निकलेगा, इसका मतलब पी एन भी कितना होगा? डी साइन थीटा होगा। पी एन भी कितना होगा? डी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब पी एन भी निकल गया डी साइन थीटा, तो मैं काम करता हूँ, जगह तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ इसको जरा मिटाता हूँ, ठीक है। फिगर भी मिटा दो? नहीं, फिगर कैसे मिटाओगे? जगह है बट इधर कुछ सामान रखा हुआ, हम इधर जा नहीं सकते, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो पाथ डिफरेंस आया था डेल्टा, क्या आया था? पाथ डिफरेंस डेल्टा, वो कितना था? पी एम प्लस पी एन, पी एम प्लस पी एन था। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस था डेल्टा वो पी एम है, और पी एम के जगह पर कितना पुट करेंगे? डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा पी एम के जगह पे, और पी एन के जगह पे देखो पी एन के जगह पर कितना पुट करेंगे? डी साइन थीटा। तो डेल्टा कितना होगा? टू डी साइन थीटा। डेल्टा कितना होगा? टू डी साइन थीटा। बात समझ में आई? डेल्टा कितना गया? टू डी साइन थीटा। अब डिफ्रेक्शन के अनुसार से अगर ब्राइट डिफरेंस डिफ्रेक्शन पाना है तो पास डिफरेंस कितना होना चाहिए? एन लेमडा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एन लेमडा। तो मैक्सिमम अगर आपको ब्राइट डिफरेंस पाना है मैक्सिमम के लिए, तो डेल्टा इक्वल टू कितना होता है? एन लेमडा। तो एन लेमडा और ये दोनों बराबर कर दो,
ठीक है। तो एन लेमडा इज इक्वल टू, ये भी डेल्टा है ये भी डेल्टा है, तो एन लेमडा इक्वल टू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू डी साइन थीटा। लेकिन जब इसका शोध हुआ कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक वेव एसोसिएटेड है, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या है, वेव एसोसिएटेड है, तो उस समय जो प्रूफ किया गया निकेल क्रिस्टल को लेकर के, उस समय ये वाला यूज किया गया, ठीक है, ब्रैग्स लॉ का यूज किया गया। कब, जब ये प्रूफ करना था किसको, डेविजन और जर्मर को, कि ये जो डेविजन और जर्मर सर को, ठीक है, साइंटिस्ट थे तो इज्जत देना बनता है, तो डेविजन और जर्मर सर को जब ये प्रूफ करना था ये एक्सपेरिमेंट के अनुसार से कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव ए एसोसिएटेड वेव, तब जाकर के इसका यूज हुआ था, और मैंने वहाँ भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगला लेक्चर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रेसिप्रोकलिटीज का होगा, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतने रखते हैं, और अगले लेक्चर ना आए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।